आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शाहजुना पहुंचे हैं और उन्होंने साबिक सदर बार पर हाजिरी भी दी है। आपको आम खबर दे, जंग साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दरबार शाह जीवना के मजार पर पहुंच चुके हैं, हाजिरी भी दी है। नुमाइंदा हसन अली से तफसीला जानेंगे। हसन अली बताएगा क्या सूरत हाल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो शाह जीवना पहुंच गए। जी बिल्कुल, आज जो है वो जंग की सियासत में एक अहम तरीन दिन है क्योंकि आज जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो आज शाहजीवना पहुंचे हैं, जबकि आधा घंटा कबल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी शाहजीवना पहुंचे थे और इस वक्त वो मखदूम हाउस में मौजूद है जहाँ पे मखदूम से ये फैसल खाले से उन्होंने मुलाकात की है, जबकि इस वक्त जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अपने चंद लम्हों बाद जो है वो मखदूम हाउस पहुंचेंगे, जो कि इस वक्त जो है वो दरबार हजरत शाहजीवना में हाजिरी दे रहे हैं और वहाँ पे जो है फातिहा खानी की गई है, जबकि यहाँ पे जो पंडाल लगाया गया है मखदूम हाउस में जो कि मखदूम से ये फैसल खाले हयात की रहायश का है, उसमें जो जेलों की जो है वो एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है और जेलें जो है वो उनमें बहुत ज्यादा जोश खरोश पाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे जो है वो बुलंद किए जा रहे हैं यहाँ पे और अब से कुछ देर बाद जो है पंडाल में दोनों रहनुमा पहुंचेंगे और जेलों से खिताब करेंगे, जबकि जबकि साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद फैसल खाले हयात आज जो है वो अपने साथियों के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। हाँ, ये भी बताएगा हसन अली कि आज क्या मसरूफियात रहेंगी साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जंग में। जी बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं की आज जो है वो जंग में काफी जंग के इलाके शाहजीवना में या मखदूम हाउस में काफी जो है वो मसरूफियत रहेगी। इसमें जो कदावर शख्सियात हैं जंग की दोनों रहनुमा उनसे भी मुलाकात करेंगे, जबकि इसके साथ साथ वकला से मुलाकात की जाएगी, काश्तकारों से मुलाकात की जाएगी और जो मखदूम सैयद फैसल साले हयात से जो है वो खसूसी मुलाकात की जाएगी, जिसमें उनको ये टास्क दिया जाएगा कि जंग से जो भी सियासी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के जा चुकी हैं उनको वापस लाया जाए हर सूरत में और नाराज कारकुनान जो है खासतौर पर उनको भी वापस लाया जाए। जी हसन, ये बताइएगा कि जलसा कब भी जाएंगे साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जलसा कब तक शुरू होने की तवक्को है, कब तक बाकायदा आगाज होगा जलसे का? अजी जो पंडाल सजाया गया है जो जलसा गाह है वो मखदूम हाउस के अंदर ही सजाया गया और यहाँ पे तकरीबन 10,000 कुर्सियां जो है वो जालों के लिए लगाई गई हैं, जिसमें सूबे के मुख्तलिफ शहरों से जालों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है, रैलियों की सूरत में टोलियों की सूरत में यहाँ पे ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए हैं, जबकि दोनों जो रहनुमा है वो अपने कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पे जलसागर में पहुंचेंगे और जलसे से खिताब करेंगे। हाँ, ये भी बताएगा हसन अली के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के हमरा कौन कौन सी पीपल्स पार्टी की मरकजी क्यादत जंग आए हैं और उनकी भी मुलाकात हुई है फैसल साले हयात से। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा जो है वो फरतुल्लाह बाबर जो है वो मौजूद है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमरों जमान कायरा जो है वो पहुंचे हैं, इनके अलावा मियां मंसूर अहमद बटू यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ साथ फैसलाबाद डिवीजन के सदर हसन मुर्तजा यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि मुकामी क्यादत जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है इस वक्त मखदूम हाउस में और अब से कुछ देर बाद जो है वो मुलाकातों का बाकायदा आगाज होगा, जिसके बाद जो है दोनों रहनुमा वो जलसा का पहुंचेंगे और यहाँ पे जलसे से खिताब करेंगे। ठीक है, शुक्रिया हसन अली, अपडेट कर रहे थे।